Her uterus was damaged. There were bite marks on her body, electric shocks on her hands. Her face was injured. She was hit with stones. Asifa was killed. 8-year-old child made victim, gang raped and brutally murdered. हम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? क्या हम एक सभ्य समाज को belong करते हैं? क्या हमारी upbringing इतनी poor है कि हम 8 साल की बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाएंगे? हम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? निर्भया कांड हुआ, सोचा सब में अकल आएगी, सब रुक जाएंगे, मगर नहीं। निर्भया के बाद एक लड़की की इज्जत तार तार हो गई। मैं 5 साल की बेटी की माँ हूँ। आज जब मेरी बेटी वैन में जाती है तो मैं अपने दिल को ऐसे पकड़ लेती हूँ कि मैं अपनी बेटी को वापस जिंदा देखना चाहती हूँ जब वो स्कूल से आए। आज ये हालात है हमारे देश की, एंड आई होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल दोस जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ यहाँ पर इस मंच पे कि साहब, आपके 2 MLA जाते हैं, लोगों को प्रवोक करते हैं, बोलते हैं दारा को तोड़ो, पीस को तोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो अरेस्ट हुए हैं उनको भी वापस छुड़ा लाएंगे, एंड वी इंश्योर कि और कोई अरेस्ट ना हो। वाह, क्या लीडरशिप है, क्या देश है। बेटी बचाओ, उसको बाहर मत भेजो, उसको घूंघट में रखो। दरिंदे बाहर घूम रहे हैं, दरिंदे सिर्फ बच्चियों को नहीं एक बूढ़ी औरत को भी तार तार कर देंगे। आज हमारे सभ्य समाज की ये हालत है, और हम कहते हैं वी आर प्राउड सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। जय हिंदुस्तान, जय ह्यूमैनिटी। हम भाषणबाजी करते हैं, मैं भी भाषणबाजी कर रही हूँ। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं बेटियों को बचाऊंगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने तो चुप ही शादी रखी। कुठुआ में क्या हुआ या उन्नाव में क्या हुआ, दोनों बच्चियों की इज्जत को तार तार करने में आप लोगों के आपके ही लोगों का हाथ था। आपको यू शुड बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट, और हमारा समाज इस बात को लेकर चुप क्यों है मुझे समझ नहीं आती। क्यों एक दीपिका और तालिब ही सर कटवाने के लिए खड़े हैं? मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीर को बिलोंग करती हूँ। मैं राजपूत हूँ, मैं एक राजस्थानी आर्मी ऑफिसर की बीवी हूँ। मैं धर्म से ब्राह्मण हूँ और कर्म से राजपूत हूँ। मुझे शर्म आती है ये बोलते हुए कि मैं एक ऐसे समाज को बिलोंग करती हूँ जहां पर छोटी छोटी बच्चियों को, माई गॉड, आई कैंट अंडरस्टैंड वॉट प्लेजर टू एवरी वन ओवर हेयर। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हम एडल्ट्स हैं। 8 साल की बच्ची को, जिसके अपने शरीर की नॉलेज नहीं है, उस बच्ची की इज्जत को तार तार किया, और एक ने बोला रुको, इससे पहले ये दम तोड़ दे मुझे एक बार फिर से करने दो। You bloody monster! Shame, 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 shame! ध्यान रखना फिर ना हो, जिम्मेवारी हम पर ही है, इस क्राउड पे ही है। कल ये ना पता चले कि एक और आसिफा और निर्भया आ गई, और फिर हम सब लोग जिस जगह पे खड़े हैं उसी जगह पे आके भाषणबाजी करना शुरू होए। उन सब माओ से दरख्वास्त है हाथ जोड़ के अपने बच्चों को अपने घरों में वो चीजें सिखाओ, अपनी बच्चियों को इतना बोल्ड बनाओ कि वो सबका मुंह नोच दे, हर उस दरिंदे का मुंह नोच दे जो मेरी आसिफा नहीं कर पाई, जो निर्भया नहीं कर पाई। मेरी आसिफा रोई होगी, माँ का इंतजार किया होगा, बाप का इंतजार किया होगा, मगर कोई नहीं आया। हम भी नहीं थे जब दिनों तक उसकी इज्जत को तार तार किया गया। कानून बहुत है, कानून की जरूरत नहीं है, सोशल चेंज की जरूरत है। हम सबको इनको बताने की जरूरत है
हम सब तुम्हें देख रहे हैं, तुम ये करोगे तो हमें तुम्हें खदेड़ देंगे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को भी हमसे डरना चाहिए, हर उस पॉलिटिशियन को हमसे डरना चाहिए। हम यमराज क्यों नहीं बन जाते जिसका भाई सबको है, मुझे भी और आप सबको भी। कसम खाओ आज यहां पर कि हम यमराज बन जाते हैं। हम इनको डराएंगे, हम बताएंगे नो मोर आसिफ एंड नो मोर निर्भया। आज मुझे मेरी ही कम्युनिटी एंटी हिंदू कहती है। आज मुझे पूछा जाता है व्हाट मेड यू टू टेक दिस केस। मैं औरत हूं, क्या ये काफी नहीं? मैं 5 साल की बच्ची की मां हूं, क्या ये काफी नहीं? मेरी बच्ची अगर थोड़े भी छोटे कपड़ों में बाहर आती है तो मेरा दिल धड़कता है। मैं सोचती हूँ पता नहीं कौन इसको किस नजर से देखेगा। हम इतने प्रोटेक्टिव हो गए हैं, हमारे ही समाज में खराबी है। हम सबको चेंज होने की जरूरत है, हम सबको ये बताने की जरूरत है कि नहीं, अब नहीं। बस दुख होता है कीचड़ में पटी हुई बच्चियां, जिन बच्चियों को स्कूल जाना है, जिन बच्चियों को गुड्डे और गुड़ियों के साथ खेलना है, वो बच्चियां इससे ऐसी दरिंदगी का शिकार होती हैं और हम सब लोग साइलेंट स्पेक्टेटर्स की तरह खामोश होते हैं। और हमारे जो सो कॉल्ड कंट्री को रन करने के लिए या फिर स्टेट को रन करने के लिए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपने कोजी रूम्स में बैठ के स्टेटमेंट्स इश्यू करते हैं। मुझे बोला जाता है आई एम एन एक्सपेल्ड बार मेंबर। आज मैं दिल्ली को यह बताना चाहती हूं कि ये एक लड़की, ये एक औरत जो कि लॉयर और एक्टिविस्ट है बाय प्रोफेशन, एक एक्सपेल्ड बार मेंबर है। मुझे इनडिसिप्लिन्ड लॉयर बोला जाता है। एक बहुत बड़े अखबार में यह खबर निकलवाई जाती है दैट शी इज एन इनडिसिप्लिन्ड लॉयर, दैट इज व्हाई वी आर एक्सपेलिंग हर फ्रॉम बार मेंबरशिप। यू नो व्हाई आज मैं दिल्ली को बताना चाहती हूँ, हिंदुस्तान को बताना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैंने 12 साल की बच्ची जो एक वकील साहब के घर में काम करती थी, उस वकील साहब को यह नॉलेज नहीं थी, वो जम्मू बार एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं और एक सीनियर लॉयर है और एक समय पे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपको बताना जरूरी है। उनके घर पे 12 साल की बच्ची मर जाती है और बोला जाता है कि एक 12 साल की बच्ची ने शॉवर पाइप के साथ खुदकुशी कर ली। ऐसा कैसे हो सकता है? 12 साल का बच्चा तो पता ही नहीं होता उसको खुदकुशी क्या होती है। यह दीपिका उस बच्ची के लिए खड़ी हुई जिसके माँ बाप स्लम्स में रहते हैं, उनके लिए खड़ी हुई। मुझे अप्रोच किया गया, मुझे बोला गया वकील साहब के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। मैंने बोला नहीं, वो मेरा दुश्मन है, क्योंकि जो एक इंसान कानून को वायलेट करेगा वो मेरा दुश्मन है, मेरी जाती दुश्मनी उसके साथ है। मुझे बार से एक्सपेल किया गया इस बात पर। आज मुझे बोलते हैं पानी मत पिलाओ इससे, ये हमारे बार की मेंबरशिप नहीं है। अरे हम तो मुर्दे के मुंह में भी पानी डालते हैं, मैं तो फिर जिंदा हूं। क्या मुझे बार का मेंबर होना पड़ेगा तुम्हारे से पानी लेने के लिए या फिर अपनी प्यास बुझाने के लिए? मुझे बोला जाता है दीपिका सिंह रजावत, यू आर नॉट सिंह रजावत, यू आर अ कश्मीरी पंडित हु वाज मर्सीलेसली थ्रोन आउट फ्रॉम कश्मीर। मैं ब्राह्मण हूं, बुद्धि और बल का एक ब्लंट कॉम्बिनेशन हूं, एक डेडली कॉम्बिनेशन हूं। मैं राजपूत हूं, मेरी सबसे सिर्फ एक गुजारिश है। मुझे कल रात को फेसबुक पे लिखा गया मेरे अकाउंट पे, मैडम यू विल नॉट बी फॉरगिवन फॉर द डैमेज दैट यू हैव कॉज्ड। मैं भेड़चाल का हिस्सा नहीं हूं, फॉर गॉड सेक। मैं एक वकील हूं और मैं भेड़चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहती, तभी आज मैं आपके सामने यहां पर खड़ी हूं डिस्पाइट मेरे को थ्रेट्स है। मैं मानती हूं आज नहीं तो कल, जैसे ही देश का
आंखें यहां से वहां हिली, मेरे को दे विल डैमेज मी, किसी ना किसी तरीके से मेरी बच्ची को भी डैमेज करेंगे। पहले मेरा पानी बंद किया, कोई पता नहीं मेरी प्रैक्टिस भी बंद कर दे हाई कोर्ट में, मगर आज भी मेरे में हिम्मत है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे आंखें मिलाए। मैं कहती हूँ आओ मेरे चेहरे पे बोलो, तुम में बल है, तुम में दम है, मेरे चेहरे पे मेरे साथ आके बात करो। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज हैव द सेम करेज। अगर आसिफा और निर्भया के केसेस को रोकना है, विद दिस थैंक यू सो मच दिल्ली, जय ह्यूमैनिटी। कोई धर्म नहीं है हमारा, हम इंसान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक उस नारे के साथ। थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी पेशेंट हियरिंग। मैं कोई लीडर नहीं, कोई इलेक्शन का मेरा विचार नहीं, मैं बस एक नागरिक हूँ और उन सबको बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा रोल क्या है। तुम्हें तुम्हारी जगह बता देंगे, तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे, और इनको औकात बतानी है हम बताएंगे।